आज भी तेरे खड़े हो जाओ जरा। क्या हो रहा? ये गड्डियां बंद करा मैं इधर से। ये बैग आ गया सर इधर आ गया। ये देखो अंदर के मुंडी काट के दिखा अपनी तीसरे दिन। वो देख लेंगे नंबर प्लेट का ही नहीं है गाड़ी में। पीछे तो ही नहीं दिख रही। आगे भी देख लो नंबर का क्या पता लग रहा है। अपना घर का थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो पना गिरा जाएगा। हमारे तो बच्चे भी दब जाएंगे। सर क्या परेशानी है? एसडीएम साहब को कई बार दिया है इस बारे में और उन्होंने सिर्फ ये था कि बरसात की वजह से और रास्ते बंद थे, इसलिए एक महीने का टाइम उन्होंने हमारे से सहयोग की वो की थी, तो हम लोगों ने भी सहयोग किया और एक महीने से ज़्यादा टाइम तक हमने इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। चलते रही है ट्रक, लेकिन इन्होंने जो भी इनके लिए हम आपने एसडीएम साहब ने जो नियम तय किए थे उनके अनुसार ये एक भी दिन नहीं चले। इनको ये बोला गया था कि ये खाली चलेंगे इधर से और भरे हुए दूसरा कोई रास्ते से जाएंगे, लेकिन ये तो लगातार खाली और भरे लगातार चलते रहे। चल गए, लोगों की आफत बन गए, जानलेवा बन गए। बिल्कुल सर, जान को जोखिम हर टाइम है यहाँ पे। इस रोड पे जो छोटे वाहन वाले हैं जैसे बाइक वाले हैं उनका तो अब कल की बात है, कल इतना बड़ा खड्डा हुआ हुआ था रामपुर घाट पुलिया के पास कि उसमें एक बेचारा पुलिस का जवान वही गिर गया बाइक लेके, बताओ। फिर हम लोगों ने लोकल लेवल पे, ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी ट्रॉली से मिट्टी डाली वहाँ पे गड्ढा भरा, तब वो रास्ता चलने लायक हुआ है। किस तरह की परेशानियाँ हैं हमारे? ना ये पानी की तीन लेंथे तोड़ के ना ये रात रात निकल गए, और जोन सी पाइप था उन्होंने साइड में गिर दिया उठाकर, और एक गड्डी वाले पूछा जोन से उसको, वो कह रहा हमने नहीं तोड़ा, ये किसी और ने तोड़ा है, और पैसे लेने के लिए भी इनकार कर दिया। विभाग से हम मांग है कि इनको बिल्कुल बंद किया जाए, बिल्कुल इधर से आना जाना बिल्कुल बंद करो, इनका रोडे में से निकला है इनका रास्ता। ठीक है सर। रोड बिल्कुल ख़राब कर दिया गाड़ियों ने जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है उसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, और जी ना तो कोई यहाँ सुनाई हो रही है ना कुछ है। प्रशासन से भी कई बार वार लगा ली, उन्होंने कुछ नहीं सुनाई की। अब ये बताओ भाई हम जाएँ किसके पास जाएँ, नहीं तो फिर हमें अपना गांव वाले इकट्ठा होके फिर हमें अपना वो करना पड़ेगा जी। और मेरे यहाँ रोड पे पानी गिर रहा था क्रेशर वालों पे, मेरा कम से कम 92,000 रुपया मेरा पेंडिंग में पड़ा, इन्होंने पैसा नहीं दिया मेरा पानी गिरने का। अच्छा, रोड का हो गया हाल, रात को हम सो नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते जी, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, खड्डे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक नहीं कर रहे जी ये। अच्छा जी सर, जो यहाँ पर स्टोन क्रशर लगा हुआ है इससे काफ़ी दिक्कत है, और जो नहर के साथ साथ रोड ठीक जो रोड ठीक किया गया था उसको दोबारा से पुनः ठीक किया जाए, ताकि वहाँ से ये जो क्रशर के ट्रक हैं तो वहाँ से जाए, ताकि गांव वालों को कोई भी परेशानी ना आए। पास नहीं है जी, जी हमें तो सर रात बैठ कर काटनी पड़ती है, नहीं पता गाड़ी कब पलट दे। प्रशासन क्या कह रहा है इस बारे में? प्रशासन तो कुछ भी नहीं, प्रशासन तो अपना मिट्टी फाको ऐस कुटो। क्यों आप लोगों ने कुछ नहीं कहता? आप लोगों ने उठाई नहीं, मांग नहीं उठाई? मांग तो बताइए किस पर उठाएं जी, बताओ किस पर उठाएं? क्या कह रहा है? तो कहेंगे रोड गिरी में से बना दो इनका रोड, ये रोड ही बंद करो यहाँ से, कोई बीमार हो जाए दुख तकलीफ हो जाए रात को नहीं जा सकता कहीं भी। अच्छा, मिलते नहीं क्रॉसिंग की, ना इधर से मिले ना उधर से मिले जगह। अच्छा, उससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है रोड सारा तोड़ दिया, धूल दुनिया भर की घर में धूल बढ़ रही है पूरी, आदमी पर उधर से उधर नहीं जा सकता, घरों में बहुत बुरा हाल है, सारे कपड़ों का बुरा हाल है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं भाई या तो रोड सही ठीक तरीके से बने, जैसी घटिया है इस लाइक को रोड भी नहीं है। रोड कैसा है ये? 10 फुट का रोड है। अच्छा है जी, और यहाँ से 18 टायर चल रहे हैं, 22 टायर, और सबसे बड़ी तारीफ ये है अगर हमारा कोई मरीज यहाँ बीमार भी हो गया रात में हम ले जा नहीं सकते, रास्ता ही नहीं मिलता कहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? मैं बंद होनी चाहिए, कहीं और को रोड निकाल लो इनके वास्ते।